जैसा आप जानते हैं इस एपिसिटी गाड़ी के 3 साल की वारंटी है, पर किसी कारण से कुछ चीज़ें जैसे केबल, तार, एक्सेलेटर वायर घिसने की वजह से आपको लगता है कि ख़राब हो रही हैं और उनको बदलने की ज़रूरत है, तो बहुत आसान है। ये पियाजो का ओरिजिनल पीओपी पार्ट है। यहाँ पे इसके पहचान का तरीका है कि गैसोलीन कंट्रोल केबल लिखा है। इस पैकेट को फाड़िए, इस केबल को बाहर निकालिए। रेस की तार बदलने के लिए या एक्सेलेटर केबल बदलने के लिए आप ये कार्बोरेटर पे दिए गई इस नॉब को घुमाइए और इसको लूज करके इस तार को स्प्रिंग के साथ बाहर निकाल लीजिए। एक्सेलेटर केबल बदलने के लिए इस पिस्टन में से इस तार को निकालना है। इस तार को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले ये जो स्प्रिंग है इसको नीचे दबाइए। नीचे दबाने के बाद इस तार को इस स्लॉट में से बाहर निकाल लीजिए। ये आपकी तार लग हुई। ये स्प्रिंग और पिस्टन निकालने के बाद इसको बाहर निकालने के लिए इस रबड़ के दिए हुए हिस्से को जोर से खींचिए और ये बाहर आ जाएगा। नई एक्सेलेटर केबल लीजिए। पुरानी एक्सेलेटर केबल पर इसको यहाँ बिठाना है। ध्यान रखना है कि ये जो हिस्सा है आपके स्टेयरिंग की तरफ जाएगा, इसको इस पर साथ जोड़ना है। इन दोनों को इस टेप से बांधना है क्योंकि हम इस केबल को वहाँ तक पुरानी केबल के द्वारा खींच के लेके जाएंगे, तो टेप के द्वारा इसको आपस में लपेट देना है ताकि वो इसके साथ बाहर आ जाए। ये आपकी केबल अब टेप के द्वारा जुड़ गई है। अब हम गाड़ी के अगले हिस्से में जाएंगे। रेस की तार बदलने के लिए आपको एक प्लस के पेचकस की जरूरत पड़ेगी। इस स्क्रू को इस प्लस के पेचकस की मदद से खोल लीजिए। स्क्रू खुलने के बाद इस कैप को ऐसे उठा लीजिए। यहां पर आपको रेस की तार का नॉब दिखाई देगा। रेस की तार निकालने के लिए इस नॉब में से इस तार को आप ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहां से इस तार को आप ये बाहर निकाल लीजिए। ये रेस की तार बाहर आने के बाद इन दो स्क्रू को आपने प्लस के पेचकस की मदद से खोलना है। स्क्रू निकालने के बाद स्टीयरिंग के इस कवर को अपनी तरफ खींचकर बाहर निकाल लीजिए। ध्यान रखिए कि ये जो दोनों दिए गए हैं वो यहाँ पर डालते टाइम बैठे, इन हिस्सों में बैठ जाए। कवर हटने के बाद रेस की तार को इस नेक से बाहर निकालिए, नीचे की तरफ दबाइए और ये तार बड़ी आसानी से बाहर आ जाती है। अब आपको यहाँ से इस तार को ऊपर की तरफ खींचना है ताकि नीचे टेप से बंधी हुई तार इसके साथ वापस यहाँ पर नई तार आ जाए। ये हमारी पुरानी तार है, यहाँ हमने पीछे टेप लगाया था। अब इसको खींचने से हमारी ये नई तार आप देख सकते हैं कि ये ऊपर आ गई है। इस टेप को वापस हटा लीजिए। रेस की तार इंजन से यहाँ पे आ चुकी है। इस तार को इस ब्रैकेट के अंदर से निकालिए और स्टीयरिंग के इस हिस्से से कॉलर से निकालते हुए ऊपर लेके आइए। ब्रैकेट के अंदर से स्टीयरिंग के कॉलर से और लाने के बाद एक्सेलेटर लीवर के पास इस नॉब को लाकर इसमें फंसाकर इसे लॉक कर दीजिए। इस प्रकार आपकी एक्सेलेटर की तार बदल चुकी है। अगला स्टेप इसके बाद डैशबोर्ड कवर लीजिए। ध्यान रखिएगा ये दोनों लॉक डैशबोर्ड के इस हिस्से को में फंसते हुए आगे जाएं।
और ऐसे बैठा दीजिए, स्क्रू लीजिए और यहाँ पे टाइट कर दीजिए। इस प्रकार आपके एक्सेलेटर की केबल बदल गई है। हमारी तार हमारे एक्सेलेटर हैंडल पे जा चुकी है। अब हमें इसको कार्बोरेटर पे असेंबल करना है। कार्बोरेटर कैप लीजिए, तार के इस छोर को इसके अंदर इस होल के थ्रू डालते हुए इसमें लॉक कर दीजिए। आप देख सकते हैं ये तार यहाँ से बाहर आ गया है। इसको पीछे तक ले जाइए, इस हिस्से पे स्प्रिंग किसी भी दिशा से डाल सकते हैं। ये स्प्रिंग लेके यहाँ बिठाइए और उसको दबाते हुए इस तार को एक्सेलेटर वायर को यहाँ से पकड़ लीजिए। उसके बाद पिस्टन के अंदर दो कट हैं, लंबे कट से लेते हुए यहाँ पर तार को लॉक करके इसे बिठा दीजिए। इस प्रकार ये आपकी असेंबली कंप्लीट है। अब हमें इसे कार्बोरेटर में बिठाना है जो कि आखिरी स्टेप है। उसके बाद आपका एक्सेलेटर तार पूरी तरह जुड़ जाएगा। इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि ये जो कट है ये सीधे हाथ की तरफ जाना चाहिए। ध्यान से देखिए, यदि आप इसे ऐसे बिठाएंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, आप इसको ऐसा बिठाएंगे तो भी पूरी तरह नीचे नहीं जाएगा। यदि आप इस कट से इसको इस दिशा में रख के बिठाएंगे, यानी कि ये पेट्रोल टंकी की तरफ करके बिठाएंगे, पेट्रोल की टंकी, ये पेट्रोल की टंकी की तरफ कट करके बिठाएंगे, तो ये कट से ये पूरा पिस्टन आराम से नीचे चला जाएगा। आप देखते हैं पिस्टन नीचे चला गया। उसके बाद इस हिस्से को लेके यहाँ पर थ्रेड के ऊपर लॉक कर दीजिए। को हमने लॉक कर दिया है, इस रबड़ को खींचकर इस पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगले हिस्से में हमने तार को पहले लगा दिया था और इंजन के ऊपर कार्बोरेटर के ऊपर तार को अब जोड़ दिया। इस प्रकार आपकी रेस की तार की असेंबली कंप्लीट हो गई है।